सो हेलो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में आया हूँ जो कि एरोप्लेन के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम है फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। पहले इसकी जो लोकेशन है भाई थोड़ा अलग थी, गुड़गांव के अंदर थी, बैकयार्ड स्पोर्ट क्लब में। तो अभी लोकेशन चेंज हो गई है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करा जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ का एक ब्लॉग बनाने के लिए। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको यहाँ की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर कितनी टिकट लगती है, खाने पीने को आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ की लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, फ्रेंड्स के लिए कैसी जगह है, कपल्स के लिए कैसी जगह है, ये अगर बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करना चाह रहे तो आप यहाँ पे आओ या ना आओ, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना बिना किसी स्किप के, तो सारी जानकारी लेते हैं, स्किप मत करना, ठीक है? तो करते हैं शुरू। सो गाइज, यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे एक एरोप्लेन है जिसका नाम है फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें तो भाई ये आप सामने देख रहे हो एक बिल्डिंग है जिसका नाम है M3M कॉस्मोपॉलिटन। तो ये यहाँ की लोकेशन है एग्जैक्ट, और यहाँ पे सामने एक रोड है। तो ये जो रोड है ना, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है गुड़गांव में, और गुड़गांव का सेक्टर 66 है ये। पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, बाकी यहाँ पे फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स है। तो यहाँ से आपकी ये पार्किंग है जो कि बेसमेंट में अंदर जाके फ्री है, जो कि बिल्कुल। और भाई जो यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है गुड़गांव का सेक्टर 55-56, जो कि यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हो कैब वगैरह के थ्रू। और भाई सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो। और भाई कुछ यहाँ की जानकारी अगर आपको मतलब लेनी हो तो यहाँ पे आप मतलब कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इनसे, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो इनका, बाकी इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह भी आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो भाई सुबह 11 से रात को 11 बजे तक ये ओपन रहता है, और डेली ओपन रहता है, कोई इसका क्लोज डे नहीं होता। तो चलते हैं और आपको यहाँ का टिकट प्राइस वगैरह भी बता देते हैं अब, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पासपोर्ट काउंटर और सॉरी कंट्रोल। तो यहाँ से मतलब आपको आपकी टिकट मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको टिकट के बारे में। टिकट प्राइस जो है आपका 500 रुपये होने वाला है, और वो 500 रुपये जो है मतलब आपको अंदर यूज़ कर सकते हो, उतने रुपये का आप खाना खा सकते हो। ये नहीं कि बस एंट्री होगी आपकी, खाना भी खा सकते हो आप 500 रुपये का। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसकी उम्र है मतलब 5 से 10 साल के बीच, तो लगने वाले 300 रुपये, और 5 साल से जिन बच्चे की उम्र नीचे है उनका फ्री होने वाला है। बाकी भाई 500 मतलब आपने पूरे अंदर यूज़ कर लिए, खा पी लिया, और उसके बाद भी आपको कुछ और खाने का मन है तो आप अंदर और पे करके खा सकते हैं। बाकी यही साइड में आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं तो किड्स सॉफ्ट प्ले एरिया यहाँ पे रेडी करा जा रहा है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये मतलब पूरा बच्चों के लिए रेडी करा जा रहा है ये वाला एरिया। तो बच्चों को तो भाई मज़े आने ही वाले हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में मतलब रेडी हो जाएगा ये। और तो टिकट वगैरह मैंने आपको बता दिया 500 रुपये। तो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको सब कुछ। ये देखो, मतलब आपको अगर ऊपर खाना चाहो तो ऊपर भी खा सकते हो, या नीचे बैठ के खाना चाहो तो नीचे बैठ के खा सकते हो। भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के अंदर खा भी सकते हैं आप। मेनली तो मतलब यही है यहाँ पर कि एरोप्लेन के अंदर खा सकते हैं आप, बाकी यहाँ भी आप खा सकते हैं इसके मतलब फ्रंट की साइड में थोड़ा एरोप्लेन के, यहाँ पे विंग्स है एरोप्लेन के, उसके नीचे भी आप खा भी सकते हैं। बाकी फोटोशूट के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, तो अभी थोड़ा अंधेरा हुआ ना तो पूरा मतलब लाइटिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो बहुत बेहतरीन लगने वाला है। ये देखो पूरा एक तरह बेहतरीन इसको बनाया हुआ है, पूरा हार्ट का शेप दिया हुआ है, और यहाँ पूरा ट्री लगा हुआ है ये। तो यहाँ पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है पार्टी ऑन प्लेन। तो अभी ये मतलब लाइट नहीं चली है ना इसमें, तो लाइट ऑन हो जाएगी तो बढ़िया लगेगा। देखो यहाँ पे ऑन कर दी लाइट इन्होंने, विंग्स लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया लगा है। तो यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हो, खा भी सकते हो, और यहीं पर ये भी मतलब 360 जो वीडियो बनाते हैं ना, एक वो भी लगाने वाले हैं ये, जैसे मतलब आप 360 अपनी वीडियो भी बना सकेंगे। देखो यहाँ पे टायर है कितने बड़े बड़े यहाँ पे इसके पहिए तो एरोप्लेन के। और यहाँ थोड़ा चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है हमें। ये क्या लिखा है सामने, आई एम टू सेक्सी फॉर यू। तो भाई ऐसे मतलब इन सब के साथ भी फोटो क्लिक करा सकते हो, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और भाई एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ ऊपर चलने से पहले, यहाँ पे देखो आप विंग्स देख रहे हो, विंग्स के ऊपर आप खा भी सकते हो। और ये जो है ना मतलब पर्सनली बुक भी आप कर सकते हो, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप कपल्स हो तो आपके लिए बेटर रहने वाला है, वहाँ पीछे की साइड भी आप बैठ सकते हो मतलब पर्सनली अपना प्राइवेट बिल्कुल, और यहाँ पे विंग्स पर भी। तो आओ चलो ऊपर चलते हैं। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे काफ़ी झूले भी हैं, मतलब बच्चे यहाँ पे झूले भी झूल सकते हैं, छोटे बच्चे आपके साथ होंगे तो। तो आओ ही ऊपर चलते हैं। और ये जो झूले जो लग रहे हैं ना, मतलब इनका अलग से पे करना होता है, ये टिकट में इंक्लूड नहीं होता, आपका अलग से टिकट लेनी होगी इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ पैसेंजर के लिए जाने का रास्ता। तो आओ चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा लगने वाला है, अंदर का व्यू कैसा होने वाला है, और हमारा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो एरोप्लेन के गेट खुले हुए हैं, वाह ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पर्सनली मतलब आप बुक कर सकते हो, कपल्स हो या फैमिली हो, ठीक है उसी के अकॉर्डिंग ही अरेंज कर देते हैं। और यहाँ का देखो आउटसाइड का व्यू कुछ इस तरीके से है। आओ चलते हैं एरोप्लेन में, चलिए अंदर चलते हैं। इंटीरियर काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया ना, काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई देख सकते हैं आप कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है एरोप्लेन अंदर से। तो यहाँ पे बैठ के आप मतलब खा पी सकते हैं, लंच डिनर
ठीक है, जो आपको मन हो खा सकते हो, पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो, कपल्स फैमिली फ्रेंड्स सब। तो यहाँ से भी विंग्स पे भी चलेंगे, अभी दिखाएंगे आपको विंग्स पे जाकर। तो पहले ऐसे दिखा देते हैं पूरा अरेंजमेंट। देखो अगर सिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से सोफे मिलने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफे हैं, दोनों साइड आपके सोफे। तो देखो अगर आप मान लो कपल जो आपको बैठना है पर्सनली, तो आपके लिए वहाँ कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया हो, ये आप देख सकते हैं। अगर फैमिली हो आप, दो चार लोग हो, तो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल रेडी है पूरी। तो यही है पूरा। तो भाई थोड़ा सा मेन्यू मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे विंग्स पर। तो भैया थोड़ा मेन्यू देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये कुछ इस तरीके का मेन्यू है। तो फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स एंड एरोप्लेन रेस्टोरेंट, तो ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सूप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब ऑप्शंस हैं। तो सूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हमें वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है सूप्स की। ये सब आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मेन्यू है, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो ऊपर से थोड़ा दिखा दो, मॉकटेल्स आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिलने वाला है और उनकी रेंज क्या रहने वाली है, प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेक्स आपको मिलने वाले काफ़ी। कैफ़े में यहाँ पे मतलब आपको हॉट कोल्ड दोनों मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको कोल्ड में अगर लेना है, कुछ आपको हॉट में अगर लेना है, ठीक है ये सब। बाकी यहाँ पे हेल्थी फूड भी मतलब आपको कुछ मिलने वाला है, जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 299 में ये आपको मिलने वाला है। तो और आगे बढ़ाते हैं, बाकी आप पॉज करके वही देख लेना जो भी आपको देखना हो, क्योंकि मेन्यू काफ़ी बड़ा है, सब कुछ कवर करेंगे, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वो। तो आप स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिलने वाली है, टी आपको काफ़ी मिलने वाली है, काफ़ी ऑप्शन यहाँ टी के आपको मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग रेंज देखो प्लेन जो टी है उसके 139 है यहाँ पर, 140 रुपये। तो बाकी सलाद की अगर बात करें तो आपको सलाद यहाँ मिलने वाला है, ऐड ऑन करवा सकते हैं आप अपने फूड के साथ सलाद को। तो ये सब है। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ आप देख सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं, मेन्यू भाई काफ़ी बड़ा, काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस है। वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों मतलब मिलने वाले हैं, वेज नॉन वेज, पनीर टिक्का, अचार पनीर टिक्का, स्टार्टर्स मिलने वाले हैं हमको नॉन वेज यहाँ पर। नॉन वेज, ये वेज नहीं है क्या? नो, यहाँ पे भी नॉन वेज है। अच्छा यहाँ पे देखो ये स्टार्टर्स हमें यहाँ पे ये वेज भी मिल जाता है, तो जिसमें आपके सारे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेन्यू काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी कुछ मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको। तो सीधा एंड में पहुँचेगा, काफ़ी बड़ा है। तो पिज़्ज़ा भी मिलने वाला है, बर्गर्स मिलने वाले हैं, और यहाँ हेल्थी मेन्यू है कुछ। तो ये देखो हेल्थी मेन्यू में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पास्ता है, बाकी यहाँ पे सैंडविच आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सैंडविच में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन मिलने वाला है, इंडियन मीन्स तो दाल तड़का वगैरह, ये हमारे इंडिया का दाल मखनी। और आगे बढ़े तो इंडिया मीन्स मतलब वही कंटिन्यू है यहाँ पर, क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं तो ये सब मतलब ये अच्छा नॉन वेज में आ गया, इंडिया मेंस में ये सारे नॉन वेज के ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो एट लास्ट देखते हैं, और ख़त्म ही होने वाला है बस मेन्यू यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पूरा स्ट्रीट स्टाइल वेज एग चिकन। तो एट लास्ट अब देखते हैं यहाँ पे हैप्पी लैंडिंग। तो यहाँ पे ये एंड में क्या है ना, मतलब ये जो बोलते हैं ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वही है यहाँ पर आपको मीठे में काफ़ी कुछ मिलने वाला है स्वीट्स में। तो जो मेरी नज़र जा रही है वो यहाँ पर जा रही है गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, ठीक है, रसमलाई तो फेवरेट है। तो ये सारे मतलब आप एट द लास्ट आप खा सकते हैं, कुछ मीठा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ यहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो भैया हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे विंग्स पे किस तरीके से इन्होंने करा हुआ है। बाकी ये ओपन तभी होता है जब मतलब आपकी बुकिंग होती है, प्री बुकिंग, उसके बाद ये ओपन होता है। तो आओ चलते हैं विंग्स पर, देखते हैं कैसा है। अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर ठंडक हो रही है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखो पूरा डेकोरेट करा हुआ है यहाँ पर। पार्टी में मतलब काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पूरे, आप देखो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे कपल्स हो, मतलब पर्सनली भी ये हो जाता है। अभी तो सारी चेयर्स रखी हुई हैं यहाँ पर, बुक हो जाएगा ना तो उसका पर्सनली भी हो जाता है आप चाहो तो। तो ये है पूरा यहाँ पर बाहर की साइड। विंग्स तो काफ़ी आगे तक जा रही है, इन्होंने पूरा एंड में तक बनाया नहीं है। ये देखो वहाँ पूरे में विंग्स है सारे में, बाकी बाहर का ये एरिया है। बाकी उस साइड भी मतलब अगर फैमिली वगैरह है ना तो वहाँ पर भी मतलब पूरा ये कर देते हैं पूरा अरेंजमेंट। ये देखो यहाँ एरोप्लेन, भाई यहाँ विंग्स हम बाहर आ चुके हैं, सब कुछ आपको दिखा दिया सेम मतलब इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगी दूसरी एक विंग्स। और देखो पार्टी के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं आप पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, मतलब किसी की बुकिंग है पहले से ही, शायद दिखाते हैं थोड़ा।
तो यहाँ पर कोई बुकिंग है तो उसी के लिए यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं आप, हार्ट बनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो कि अभी रेडी किया जा रहा है। बाकी पीछे भी लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ, शायद पुराना है अभी, ये नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा अभी का ये अच्छा बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, इस साइड यहाँ पे ग्रुप के लिए क्या? अच्छा ग्रुप पार्टी के लिए यहाँ पर। तो यहाँ हाँ यहाँ पर देखो ज़्यादा चेयर्स इन्होंने लगाई हुई हैं। ग्रुप पार्टी अगर करनी हो ना तो इस साइड ये है, वहाँ पे मतलब दो चेयर लगाई हुई थी कपल्स वगैरह कोई हो भाई, ग्रुप पार्टी करनी हो इस साइड आ सकते हैं आप। देखो कितनी चेयर लगी यहाँ पे, तीन यहाँ, तीन या छः, सात आठ चेयर लगी हुई हैं। तो फैमिली में लगभग ऐसे ही लोग होते हैं, आठ नौ दस, तो जितने भी लोग हैं भाई आके यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो, मतलब काफ़ी, मतलब मेरा मन हो रहा है कि इन फ्यूचर अगर मैं पार्टी का प्लान करूँ ना तो यहीं पर ही आऊँ। तुम्हें कैसा लगा पाजी? मेरे को भी काफ़ी बढ़िया लगा, जैसे इसने बात बोली ऐसे ही मेरी भी यही बात है कि अगर पार्टी अगर करनी हो तो ग्रुप में, तो काफ़ी बढ़िया जगह ये है। तो आओगे बर्थडे पार्टी दोगे यहीं पर? डेफिनेटली देंगे बर्थडे पार्टी दोगे आप? देखते हैं। तो खैर कोई नहीं, बढ़िया लगा, लेकिन जगह बढ़िया है भाई। बाकी यहीं पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लेन का कॉकपिट है, तो यहाँ पर भी आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। ये देख सकते हैं सामने यहाँ पे कैप है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मतलब रील्स वगैरह यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम भी सोच रहे हैं कि फोटो वगैरह ले लें थोड़ी सी यहाँ पर। यहाँ पे मैम आप फोटो क्लिक नहीं करते क्या यहाँ पे? अच्छा करते हैं, चलो बढ़िया है, मैं सोच रहा हूँ हम भी फोटो ले आए थोड़ी सी। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे युवराज, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये जो कैंडल्स है वैसे डेकोरेशन के लिए रियल नहीं है ये, तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से भी आप मतलब यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं आगे बर्थडे पार्टी वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह। तो ये बाहर चलते हैं और यहाँ का आउटसाइड जो व्यू है रात का वो दिखाते हैं आपको, कि रात में मतलब कितना शाइन ये करता है लाइटिंग वगैरह के बाद। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बाकी नीचे से दिखाता हूँ, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है ना। बाकी वहाँ पे वो जो ट्री है वो भी कितना बढ़िया लग रहा है। पर आप सामने देख रहे हो गुड़गांव की बिल्डिंग है, ये भी कैसे चमक रही है, ये देखो। फ्लाइट ऑफ ड्रीम था ना, उसी के बगल में मतलब और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। बाकी वहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी करी हुई है, वो दिखाता हूँ आपको एक बार चल के। मैं देख सकते हैं आप सामने कितने बढ़िया तरीके से मशरूम टाइप थोड़ा बनाया हुआ है, देखने में लग रहा है मशरूम है जैसे, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, बैठ भी सकते हैं यहाँ पर, तो बढ़िया है, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, रील्स बनाने के लिए भी अच्छी जगह ये। हाँ हाँ ये ऊपर भी यहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी कुछ है। तो भाई बाहर आ चुके हैं फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स से, काफ़ी बढ़िया लगा हमें यहाँ पर पार्टी के लिए, बहुत बढ़िया लगा हमें, सबसे बेस्ट इसीलिए लगा पार्टी के लिए। तो तुम्हें कैसा लगा भाई, बढ़िया लगा? काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया हो गया। हाँ पहले से तो काफ़ी बढ़िया हो गया, ये लोकेशन भी पहले से काफ़ी बढ़िया है, पहले बस एक मतलब मैदान के पास में था, आस पास और भी की चीज़ें हैं जो आप यहाँ। हाँ पूरा यहाँ पे मॉल वगैरह सब कुछ है, मतलब यहाँ पे आप आओगे ना सिर्फ यही नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो बढ़िया लोकेशन भी है ये। तो फिर इसी यही था मतलब इस ब्लॉग में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना, जय हिंद वंदे मातरम।